हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं डॉबरमैन डॉग ऑफिसर जीवाराम देवड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आज इनको मैंने खाने से पहले थोड़ा पानी छिड़क दिया है, इससे क्या थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो डॉलर को मैंने पानी छिड़का है, और हैप्पी और नैन्सी को, और डग्गू और डॉली को, ताकि ये खाना अच्छे से खा सके, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कल हमारे गाँव में 42 तापमान था, और आज इससे भी ज़्यादा होगा। और डॉलर चिल्ला रहा कि कम कभी पिंजरे में ये बंद होता नहीं है, ये हमारे उधर रहता है। अभी क्या है कि अगर इनको अंदर नहीं डालूँगा तो ये सब मिट्टी में ख़राब हो जाएंगे। डॉलर, अभी क्या खाना खाने की तैयारी हो गई है इनकी? खाना बन चुका है तो थोड़ा आधा घंटा इनको रेस्ट करके फिर बाद में खाना देंगे, ताकि खाना अच्छे से खाएं, क्योंकि गर्मी का माहौल है और सभी डॉग खाना नहीं खा रहे हैं। मेरे क्या कोई भी डॉग खाना नहीं खा रहा है। तो आप डॉग को दिन में एक या दो बार नहलाएं ज़रूर, ताकि थोड़ा उसको राहत फील हो। गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा है, और अभी कूलर में पानी भर रहा था तो, लेकिन लाइटें चली गई तो कूलर में पानी भरना है अभी। ये कूलर सुबह इनके 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। खाना देने के बाद में अंदर ही रेस्ट करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा तापमान ज़्यादा है। ये क्या पूरा कूलिंग करते हैं? डॉलर नहीं, डॉलर नो, दांत टूट जाएंगे ना। क्या कर रहा है ऐसे? हैं, क्या हूँ, पागल हो गया क्या? अंदर बैठ जा, सूखने से पहले बाद में बाहर नहीं आना। चिल्ला मत, साइलेंट हो जा। चल नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, गुड बॉय, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा बेटा ढंग से। ये हमारा हैप्पी, भोला भगवान, ये हमारी डांस। अरे डॉलर चुप चुप हो जा, अरे साइलेंट हो जा। गर्मी में टिक्स की भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टिक्स इतने हो जाते हैं डॉगों को कि फिर डॉगों का खून चूस चूस के उनको बेहाल कर देते हैं। तो टिक्स के लिए हमने बर्बिटो गोली बनाई थी, और सभी डॉग्स को हमने बर्बिटो गोली दी, ताकि इन टिक्स से दूर रहें, क्योंकि टिक्स इनके लिए कभी जानलेवा भी बन सकते हैं। टिक्स से टिक्स फीवर भी आता है, तो आप ध्यान दीजिए अपने डॉग के ऊपर, और टिक्स का भी ध्यान दीजिए। आप कोलिन ला सकते हैं तो उनका टाइम से टाइम ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि टिक्स से दूर रहें। और हमारे आजू बाजू तो गायें भैंसे होती है, तो उससे ज़्यादा टिक्स ज़्यादा आते हैं, तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास भी जर्मन हो तो उसको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोट ज़्यादा होने के कारण अपने टिक्स देख नहीं पाते हैं, और टिक्स से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, जिससे आपके डॉग बीमार भी हो सकते हैं और खाना भी कम खाते हैं। अब चुपचाप शांति से बैठ गए हैं। डॉलर, ए डॉलर, डॉलर, अभी डॉलर और हैप्पी की दोस्ती करवानी है। इनकी दोस्ती अभी हुई नहीं है, और जब इनकी दोस्ती हो जाएगी तो सब साथ में रिया करेंगे। अभी साथ में रह सकते हैं, अलग अलग रहते हैं। डॉलर साइलेंट हो जा यार, बोल दिया अंदर को साइलेंट हो जा, समझता नहीं है तू? नीचे बैठ जा, वो चिल्लाता है। ये पिंजरे में रहना नहीं चाहता, मेरे को खुला चाहिए, आजाद रहना चाहता है। ये हमारा यूरोपियन बॉय है। लाइट आएगी बॉय मन्नू, ये हमारे यूरोपियन बॉय है, अभी तैयार हो रहा है, अभी 6 महीने का हुआ है, और ऐसा समय आएगा कि ये अपनी अदाओं से सबको दीवाना बनाएगा। हमारा डॉलर, नाम से ही नहीं काम से भी बहुत अच्छा है ये। मन्नू, मन्नू ने पानी को चालू कर दिया है, और मोटर के द्वारा अब इस कूलर के अंदर पानी भरेंगे। अपन देख सकते हो पानी भी बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहा है, और कूलर अच्छी हवा देता है इनको, लेकिन यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा आती है, तो इससे क्या है कि कूलर के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा जमा रहता है।
अब मेरे को सप्ते में एक बार कूलर को साफ करना पड़ता है क्योंकि सोलर बहुत ज़्यादा है। अभी एक करंट है, मैंने एक सप्ताह हो चुका है, अब कल पर उसको साफ करना है। देख सकते हो कूलर की जालियों को भी ऐसे गीला करना चाहिए आपको, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे इनको भीगने में, इससे कूलिंग अच्छी बनी रहे। लाइट चली जाएगी अभी वापस, तो फिर अभी इन्वर्टर पे चलेगा ये। इनको क्या है कि पंखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कूलर तो कूलर पंखा आप देखो जैसे आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, लेकिन क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप अपने डॉग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सब शांति से बैठे हैं, आज के लिए इतना ही। कल वापस मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ में। और पिंजरों के ऊपर हमने एक सीमेंट का चादर भी लगा रखा है ताकि इससे गर्म ना हो, और इसके ऊपर ये कूलरों की जाली होती है, इसको गीला करने से भी इनको गर्मी कम लगती है। तो ध्यान रखें और अपने डॉग को हैप्पी रखें, क्योंकि ये बेजुबान जानवर बोल के कुछ नहीं बोलते कि हमको क्या हो। तो आशा करता हूँ कि आपको अपने डॉग की केयर में मेरा ये वीडियो काम आएगा, और नहीं आए और आए और आपको अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और आपकी भाई लोगों की कृपया से ही मेरा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा। सब शांति से बैठ रहे हैं, कोई हाँफ नहीं रहा है, देख सकते हो आप। ओके, मैं जीवराम देवड़ा डॉबरमैन डॉग ऑफिशियल से फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।